कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा सर्वप्रथम मृगुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बारम्बार घर छोड़ करके महाप्रभु के चरण में आ जाते हैं और उनके पिताजी बहुत कैमरा पास ले जाते थे। इसलिए कहते महाप्रभु जो बारंबार महाप्रभु के पास में आ जाते थे और पिताजी उनको पकड़ पकड़ करके बारंबार उनको घर में ले आते हैं। जब महाप्रभु के पास में आए तो महाप्रभु ने क्या बताया, बोले स्थिर हैया घरे जाओ ना बात स्थिर होकर घर में जाओ, पागलपन मत क्या करो लोगों दिखाने के लिए। इसलिए अंतर में निष्ठा करके और बाहर में सबको साथ में जथा जो के व्यवहार करो, समय होने पर भगवान तुम्हारी पर भी कृपा करेंगे। और एक बात बोले, मरकट वैराग्य ना करो लोग दिखाया जथा जो के विषय भूंज अनासक्त है। मतलब है वैराग्य कहते पांच तरह का वैराग्य है। एक वैराग्य है मरकट वैराग्य, बंदर को देखे कि नहीं, यहाँ पर तो बंदर घूमते रहते हैं। अब देखना बंदर ने कोई घर बनाया, कोई कपड़ा पहनता है, कोई खाना बनाता है, कुछ नहीं उसकी, हाँ घूमता रहता है, जहाँ खाना मिले वही फल मूल खा लिया, बस अपना जीवन को व्यतीत कर लिया। कहते एक होता है मरकट वैराग्य, लेकिन देखने के लिए तो लगता है बंदर जैसे घर नहीं बनाया, कोई कपड़ा नहीं पहनता है, जो वो मिलता है खा लेता है, लेकिन बड़ा काम ही है। अगर थोड़ी सी इधर उधर देखेगा, कोई रोटी बना रहे हैं, तो कोई फल देखा, इधर इधर देखेगा, जब देखा थोड़ी सी आपका नज़र हटा ना, झट छलांग लगाएगा और उसको चीज को उठा करके ले करके भाग जाएगा। वृंदावन में तो चश्मा ले लेता है, पर्स अभी पर्स निकाल कर ले जाता है, जब तक तो फ्रूटी नहीं, पहले तो बिस्कुट से दे देते, अभी फ्रूटी के बगैर बात नहीं चलता। एक हाथ से फ्रूटी तो दूसरे हाथ में चश्मा निकाल देगा, पर्स दे देगा, ऐसे। इसलिए इसको कहते हैं बंदर वैराग्य, मरकट वैराग्य, मतलब कपट है। ऊपर में देखने के लिए तो ऊपर में वैराग्य है, लेकिन अंदर में विषय वासना भोग वृत्ति अंदर में, कहते ये वैराग्य मत करो। दूसरे वैराग्य बोले शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य इसको कहते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसको कंधे पर रख करके ले जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, बोल कर ले जाते हैं। जो व्यक्ति ले जाते हैं उनको है शमशान में उनको जलाते हैं, है जलाते हैं, जब जलता नहीं फिर लास्ट में जो सर नहीं जलता है ना, उसको खोपड़ी में घी भर करके डंडे मार मार कर उसको खोपड़ी को जलाते हैं। अब देखे होंगे जब किसी व्यक्ति को चिता से जाकर जलाते हैं, जो व्यक्ति ले जाते हैं जलाने के लिए, उनका हृदय में थोड़ी समय के लिए वैराग्य होता है, बोले सचमुच से संसार में कुछ है नहीं, कितने कमाया धमाया दुकान मकान बनाया, लेकिन जाते समय क्या लेकर गया, कुछ लेकर गया नहीं, खाली हाथ में आया है, मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ पसार गए जाओगे हैं, और उसको सबको सामने चिता में जला दिया, उसको अपना साथ में सामने में देखा, उसको पता चला मेरे को भी एक दिन ऐसे लाएंगे
और ये चिता पर लेटा कर हमें भी एक दिन ये जलाएंगे। और जाते समय क्या सुनाते सुनाते ले गए, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। किसको सुनाते, ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति को सुनाते, बोले बेटा जितने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया है तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जितने जो कुछ इकट्ठे किए हो, जो कुछ किए हो सब चीज झूठा है, सब चीज जगत में झूठा है। उसको सुनाते सुनाते सब लेकर गए, लेकर के जलाया डंडे मार मार करके, कहते भैया मेरे को भी एक दिन जलाएंगे, अरे मेरे साथ में भी यहाँ से कुछ भी एक सुई धागा भी जहाँ भी जाने वाले नहीं है उसको भेजा भी होता है। आज से खूब भजन करूंगा, आज से खूब भजन करूंगा, हरि नाम करूंगा, कुछ साथ में जाएगा तो नहीं जाएगा तो ठाकुर हरि का नाम ही जाएगा, फिर हरि का नाम क्यों नहीं करे। ओ और संसार में कोई किसी का नहीं झूठा है, कोई कुछ साथ जाने वाले नहीं, सोचता है नहीं तो वृंदावन चले जाऊंगा भजन करूंगा भगवान, संसार में कोई किसका नहीं। लेकिन जब वो घर में वापस आता है ना, जब बीवी दो तो मीठी मीठी बोली बोल देता है, बच्चे नाती पोती आकर जब गोद में चढ़ जाते पापा पापा बोल करके, दादा दादा बोल करके, वाह धीरे 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 जो वैराग्य है ना धीरे 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 नीचे उतरना, फिर मोह माया में फंस जाता है, फिर तो बीवी बच्चा ही सच्चा और जगत में सब झूठा है, है? इसलिए इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। तीसरा वैराग्य होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु एक नदी है, ये सीता जी के अभिशाप से ही ये फल्गु नदी, ऊपर में दिखता है रेती रेती, लेकिन थोड़ी सी आप रेती हटाओ ना देखो अंदर में पानी की स्रोत बह रही है, पानी की स्रोत बह रही है। कहते ये एक वैराग्य है, ऊपर में तो दिखाते हैं जैसे वैराग्य है लेकिन अंदर में भावना की और आसक्ति की और वासना की हृदय में जो स्रोत बहती है, लेकिन ऊपर दिखाते जैसे वैराग्य ऊपर रहती रहती लेकिन अंदर में रहती है नहीं, अंदर में भोग की प्रबल प्राबलता है, उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। और एक होता है प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य उसको कहते हैं जैसे माताएं जो बच्चे जन्म देती है ना, बड़ा कष्ट होता है बच्चे जन्म देना, कष्ट बहुत कष्ट होता है, सोचते हैं बेकार और संसार संतान जन्म नहीं देंगे, बड़ा कष्ट है बच्चे को जन्म देना कष्ट, गर्भ में धारण करना कष्ट, पालन करना कठिन और बच्चा नहीं। लेकिन जब फिर बच्चे को मुंह देख करके ना, फिर जब धीरे 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 सब भूल जाते फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाते, इसलिए इसको कहते हैं प्रसव वैराग्य। लेकिन यहाँ पर कहते हैं लेकिन इस सब वैराग्य सब बेकार है, लेकिन एक वैराग्य करनी चाहिए जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं युक्त वैराग्य कहते हैं जाबत सात सो निर्वाह सो कार्यता बदर्थ बीत अधिक न्यूनतायांच चबते परमार्थते। युक्त वैराग्य जिसको कहते हैं, कहते शरीर को निर्वाह के लिए जितना जरूरत उतना ग्रहण करना पड़ेगा, जितना जरूरत है उसको लेना पड़ेगा। जैसे ठंड का समय है बोले नहीं हम वैराग्य करेंगे कुछ भी ओढ़ेंगे नहीं, शरीर में कुछ नहीं ओढ़ेंगे, फिर क्या होगा बीमारी पड़ जाओगे, बीमारी पड़ जाओगे, फिर बीमारी पड़ जाओगे तो जितना कर रहे हो उतना भी खत्म हो जाएगी, हैं नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे भजन करते थे, दिन भर में एक चूल केवल मट्ठा पीते थे, मट्ठा पी करके और कभी चाना कभी चिबा करके कभी वो भी नहीं, ऐसे करके वो भजन करते थे। कोई बोलेगा हम भी ऐसे करेंगे, दिन भर एक चूल मट्ठा लेंगे कुछ मिल जाएगा ठीक, नहीं तो दिन भर हरि नाम करेंगे, फिर कर सकते हो कुछ दिन बाद में सब बीमारी पड़ जाएगी, कुछ दिन बाद में फिर बीमारी पड़ जाओगे, बीमारी पड़ जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर तो जितना रही सही जो थोड़ी बहुत कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी, हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा ग्रहण किया हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फिर वो भी तो बीमारी पड़ोगे, वो भी ज़्यादा भोगी बन जाओगे। इसलिए कहते हैं ये दो चीज़ है ना गड़बड़ी है, इसलिए ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए और कम भी नहीं लेनी चाहिए। कहते कितना लेनी चाहिए, बोले जितना जरूरत शरीर के निर्वाह के लिए उतना विस्तृत वस्तु को ग्रहण करो, ग्रहण करते हुए क्या करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रापंच की तया बुद्धा हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षी परित्याग वैराग्य फल्गुच्यते। पहले सुना ना एक फल्गु वैराग्य,
मतलब ऊपर ऊपर में रहती दिखता है लेकिन अंदर में पानी बहती है। कुछ ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, लास्ट में ये ब्रह्म ज्योति को आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे, एक कुछ ज्ञानी लोग होते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हर चीज को नहीं, सब माया है, ये सब माया है, ये सब माया, सब माया माया। जब उसको कोई भगवान के प्रसाद हो ना, वो क्या करते हैं, दाल भात सब्जी और जितने जब देंगे खीर फिर चटनी सब एक साथ मिला दे, एक साथ मिला करेगा ना, बोले नहीं हमारा आसक्त किस चीज में नहीं हो जाए, ये सब माया है, किसी तरह से पेट भरना है बस। अब देखना सबको सब ये ऐसे कुछ साध होते हैं, सब जो भगवान को निराकार मानने वाले हैं कहते सब माया 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 माया। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, कहते प्रापंचिकतया बुद्धि हरि संबंधी वस्तु ना, कहते नहीं भगवान की जो सेवा की वस्तु है ना उसको माया नहीं समझनी चाहिए। बोले कब तक ये माया है, माया समझता हूँ जो नहीं को जो है बोलना उसको कहते माया, जो झूठे को जो मान ला माया, जो नहीं उसको सही मान ला उसको कहते माया। संसार तो माया है ही है संसार, लेकिन ब्रह्मा जी कहते कब तक ये माया है, बोले जब तक ये चीज ठाकुर की सेवा में नहीं लगता है वो माया है, हैं ये माया। लेकिन जब सब चीज को प्रभु को सेवा में लग जाते वो फिर माया नहीं, वो फिर माया नहीं। जैसे पत्नी भगवान की भक्ति करता है, पति भगवान की भक्ति करता है, तब ये माया नहीं, फिर माया नहीं। क्यों, फिर ये कृष्णदास वो कृष्णदास ही हो गई, वो भगवान की सेविका है। बच्चे अगर प्रभु का भजन करता है, भक्ति करता, वो माया नहीं है। माया तब तक है जब कोई भगवान की भक्ति नहीं करते, लेकिन जब पूरा परिवार सब मिल करके भगवान की भक्ति करते हो, बच्चे भी हरिनाम करता है, पत्नी भी करता है, पति भी करता है, सबको दुनिया प्रभु की भजन करते, कहते तो माया नहीं, फिर वो सब कृष्ण का परिवार है। वो कौन हो गए, वो भगवान की परिवार हो गए, हैं ठाकुर जी की ये परिवार हो गए। इसलिए उसको माया मानना उसको अपराध है। जैसे पैसा ये माया है, पैसा को माया कहते हैं ना, लेकिन पैसा के बगैर कुछ होता है बताओ। जैसे ये भागवत कथा हो रही है, अगर पैसा नहीं होता तो भागवत कथा होती है? पैसा नहीं होता तो अपने इतना सुंदर घर बनाते, अगर घर नहीं बनता संत लोग इसमें रहते नहीं, रहते नहीं, फिर ये माया कहाँ हो गया, वो माया नहीं हो गया, ये वाला ये क्या हो गया, ये लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है, भगवान की, नारायण की लक्ष्मी। जब इस सब चीज ये चीज को थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, लक्ष्मी हमारी है नहीं, लक्ष्मी भगवान की है। लेकिन जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में भगवत सेवा में लग जाए फिर तो माया नहीं, वो तो फिर कृष्ण सेवा की वस्तु है, कि कृष्ण सेवा की वस्तु है। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार था ना, प्रभुपाद कहते भैया हर चीज को भगवान, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो। वहां पर कोई चीज बिछाने के लिए रख दो, ये बिछा तो नहीं इसको बिछा उसको। इसलिए प्रभुपाद का जो विचार है कहते जितने हर चीजों को क्या करो, भगवान की सेवा में जोड़ दो। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ी बड़ी उन्होंने एग्जीबिशन बनाया, बड़े बड़े प्रभुपाद मंदिर बनाया, बड़े सुंदर मंदिर बनाकर चेयर लगाया, कारपेट बिछवाया। किसी ने आकर के प्रभुपाद से बोले, बोले प्रभुपाद इतने सुंदर सुंदर मंदिर क्यों बनाया, इतना कारपेट चेयर क्यों लगाया, बोले मेरे लिए नहीं तुम लोगों के लिए मैंने किया। अगर मैं पेड़ के नीचे बैठ कर भजन कर सकता था, लेकिन अगर मैं पेड़ के नीचे बैठता तो तुम लोग यहाँ पर आते क्या, यहाँ अगर आकर क्या कथा सुनते, भगवान की भजन करते, करते नहीं। ये सब चीज मैंने तुम लोगों के लिए ही किया है। और जितनी सारे चीज है, जब प्रभुपाद का समय में क्या हुआ, वो मंदिर के ऊपर में बहुत बड़ा लाइट जलता था, कलकत्ता में इतना बड़ा लाइट है ना, बड़े दूर तक इसका फोकस जाता था, हैं सारे दूर तक। और उन्हें एग्जीबिशन किया था जिसमें क्या दिखाया, जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जो भजन करता था, बोले भगवान एक मैं हूँ, मेरे को छोड़कर दुनिया में कोई भगवान भगवान नहीं, मैंने स्वर्ग राज्य को दखल कर लिया, देवता को भगा दिया, पाताल लोग पृथ्वी मेरे राज्य होते हैं, और कौन भगवान है, और कौन भगवान। बोले नहीं आप भगवान नहीं, भगवान तो दुनिया का मालिक है, जिसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है वो भगवान है, जिसकी कृपा से आप भी जिंदे हो, जिसके आशीर्वाद से हैं। इसलिए जब वो माना नहीं क्या किया, पूरा अग्नि जलाया, आग जलाई है, होलिका उसकी बहन थी होलिका, एक दिन होलिका आकर के बोले भैया लगता है तू बड़े दुखी हो। बोले हाँ क्या बताऊँ, ये जो प्रहलाद है ना,
जैसे कुत्ते का पूंछ में भले ही जितना तेल घी लगा दो उसका कभी वो सीधा नहीं होता है। सारा दुनिया मेरे डर से थरते कांपता है, हाँ सारा दुनिया मेरे को मानता है, लेकिन ये छोटा बच्चा 5 साल का जैसे कुत्ते का जैसे पूंछ है ये सही नहीं हो रहा है। बोले चिंता मत करो, मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, ये अग्नि मेरे को स्पर्श नहीं करेगी। लगाओ चिता, लगाओ और चिता लेकर के मैं इसको गोद में बैठ जाऊंगी और उसमें आग लगा दो। आग लगा दिया तो चीख निकली, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर ने कहा बस प्रहलाद खत्म हो गया। लेकिन जब आग बुझ गया ना, देखा होलिका तो जल करके राख हो गई, अब प्रहलाद बीच में बैठ करके भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे भजन कर रहा है। इसलिए उन्होंने दिखाया ऐसे हिरण्यकश्यप पूरा उन्होंने इलेक्ट्रिक आग में जैसे इलेक्ट्रिक आग जिस जल रहा है प्रहलाद उसमें बैठ करके हरि नाम कर रहा है। लोग सब देखने के लिए आए, बोले प्रभुपाद को बोले आप इतने ये सब चीज को क्यों नष्ट कर रहे हो, इतना इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं लगता है तो और लोगों का सेवा में लगता है, इसे क्यों लगा रहे हो और इतना बड़ा लाइट ऊपर में चलाया सारा दुनिया को फोकस देता है। बोले देखो ये पृथ्वी का जितने सारे वस्तु है पृथ्वी की, एक दिन जब यही काम में लग जाए प्रभु की सेवा में लग जाए हैं, लोग जब लाइट देखते हैं उसको क्या याद आता है, गौड़िया मठ भगवान की मंदिर सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंचे भगवान का मंदिर है ना, लाइट देखकर सबको भगवान की याद आता है, अरे मंदिर ही है भगवान की। हाँ इस चीज को देख करके अरे अगर कोई प्रभु की शरण में आए भजन में आए कितना जा के रखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर कोई। इसलिए ये सब चीज के लिए हम सब भगवान की सेवा में जब दुनिया लगे तभी ये सब चीज की सार्थकता है। अगर प्रभु की सेवा में अगर ये चीज नहीं लग रहा तो तब भी वो माया है, तब भी ये चीज माया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते प्रापंचिकतया बुद्धि हरि संबंधी वस्तु न, इसलिए जिसमें भगवान की भक्ति जिस चीज में जुड़ गया फिर तो वो सेवा हो गया, वो फिर माया नहीं रही। जैसे रसोई बनाते हो, क्यों रसोई बना रहे हो, क्यों भगवान की भोग में लगा, ठाकुर जी की सेवा, रोटी सब्जी भगव, ये माया कहाँ रहा, ठाकुर की सेवा तो हो गया। सुंदर मंदिर घर बनाया, मंदिर बनाया, ये किसके घर है, बोले हमारे घर नहीं ठाकुर जी के लिए। जैसे संत लोग अपने घर बनाया तो संत लोग अगर रुके नहीं बनाते संत रुकते कहाँ है, इसलिए हम बनाया भगवान की भक्तों की सेवा हो, हरि घर में हरि कीर्तन हो हरि नाम हो तो फिर घर नहीं हो। कहते जिस दिन गृह भजन देखी गृह तो गोलक भाए, हमारे भक्तों ठाकुर कहते जिस दिन घर में कीर्तन भजन पूजा हो घर गोलक वृंदावन हो गया, भगवान का धाम ही बन गया। इसलिए हर चीज को क्या करो भगवान की सेवा में लगाओ, उसको माया मत समझो। हर चीज जब भगवान की सेवा में नहीं लग गया तो माया, जब भगवान की सेवा में लग जाएगा भगवान की सेवा की वस्तु बन गई। इसलिए अनासक्त से विश्वान चथारम उपजुंज निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। कहते युक्त वैराग्य किसको कहते हैं, किस चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किस चीज में आसक्ति नहीं होकर क्या करनी चाहिए, भगवान के निर्बंध कृष्ण संबंध, हर चीज को भगवान की संबंध जान करके ठाकुर जी के संबंध जान करके उसको शरीर निर्वाह के लिए जितने जरूरत को ग्रहण करते हुए क्या करो भगवान के संबंध जान करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद कहते आसक्ति रहित संबंध सहित विषय सकली समूह सकली माधव। इसलिए सबका मालिक श्री ठाकुर जी, भगवान जी ठाकुर को सेवा के लिए दिया है, इसलिए लक्ष्मी ठाकुर ठाकुर की है, ठाकुर सेवा के लिए दिया हम ठाकुर को सेवा में लगाएंगे, इसी भावना रखनी चाहिए। अभी क्या हुआ कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, अभी तो उसको उसको तो आकर घर में अभी उन्होंने एकदम ऊपर ऊपर सही सही दिखाया, महापुरुष सिखा दिया ना, लोक व्यवहार करो सबको सतर्क सम्मान दो, जो निष्ठा है तुम्हारी जो प्रेम है वो अंदर में रखो। जैसे अब लोग हैं अगर घर में अगर पति अगर अनुकूल है बहुत अच्छी बात है, अगर कभी कभी देखना घर में पत्नी भजन करते पति कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है भजन नहीं करता, इसलिए ऐसे नहीं घर में लड़ाई करना शुरू कर दो, घर में लड़ाई करना शुरू कर दो, नहीं
जब तक वो बदले नहीं जाता है भक्ति में, तब तक क्या करो, भक्ति करो लेकिन ऊपर ज्यादा बहुत दखा दिखावा नहीं करके अंदर अंदर में प्रभु की भक्ति करो, भगवान के प्रसाद ला करके पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, धीरे 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 जब प्रभु का प्रसाद पाप आ करके जब इनका हृदय बदल जाएगा फिर तो सब कुछ करो। लेकिन ऊपर क्या करो, जथा योग्य सबको साथ में सम्मान दो, सभी का आदर दो, इतने बढ़िया आदर दो जिसको देख करके पति भी परिवार भी बदल जाए, सुधर जाए। नहीं, भगवान की भक्त करती है लेकिन सबको सम्मान देती है, सबको आदर देती है, देख करके अच्छा लगेगा ना। अगर भक्ति करते हुए अगर बाहर ऐसे आपने व्यवहार किया पूरा परिवार ही बिगड़ गया, फिर रही सही जो थोड़ी बहुत कर रहे वो भी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी। इसलिए सबको यथा योग्य सम्मान देते हुए क्या करो, अंदर में निष्ठा करो, ऊपर में लोग जो व्यवहार उसको ठीक ठीक से रखनी चाहिए। अभी जब उन्होंने ऐसे की परिवार वाले खुश हो गए, बोला हमारा बेटा तो अच्छा हो गया, बेटा तो हमारा अच्छा हो गया। इसलिए लेकिन उसको कितने प्रहर थे बताओ, कितने प्रहर थे, कहते 11 तो उनको प्रहरी उसको देखभाल कर रहे थे, 11 ये कहीं घर भाग कर छोड़ नहीं जाए, घर छोड़कर भाग नहीं जाए हैं महाप्रभु के पास में, 11 और कितना थे बोले 5 पाइक, मतलब बड़े बलवान व्यक्ति चारी तरफ में पहरादार देते थे, और 4 उनकी सेवा करने वाले, और 2 ब्राह्मण इनको भगवान के प्रसाद ठाकुर को भोग लगा कर इनको खिलाने वाले, मतलब इतने जमींदार घर के लड़के ना, बहुत राजा जैसे राज घर के जैसे ही है, और इतने पैसा जिसका कोई कहते इंद्र के बराबर, जिनके घर में ऐश्वर्य है, पत्नी अप्सरी जैसे पत्नी है, इसलिए उनको पहाड़। अभी क्या हुआ, धीरे 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 जब देखा ये तो अच्छा बन गया, तो पहले जैसे पागलपन करते थे कर नहीं रहा, तो अभी धीरे 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 ना उनका जो प्रहरी वो धीरे धीरे शिथिल हो गया। जब शिथिल हो गया, एक दिन उनके घर में बहुत बड़ा मंदिर था, माता देवी की मंदिर था वहाँ, जब देवी की मंदिर था अभी उनका पुजारी किया हुआ, किसी तरह से किसी कारण से पुजारी नहीं आया, अभी देवी की मंदिर कौन जगाएगा, कौन उसका सेवा करेगा। इतने में उनका जो गुरुजी था, फिर धीरे 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 जो प्रहरी लोग जब देखा ये सही हो गया ना, जब एकदम रात भर तो जगे, उनको देखने के लिए भाग नहीं जाए, लेकिन रात को अंतिम में वो भी सो गए, लेकिन अभी सही से धीरे सही हो गया। जब सो गए इतने में उनको गुरुजी ने कहा, देख रघुनाथ जो दूसरे कोई पुजारी मिल नहीं रहा है, जो पुजारी पूजा करता था वो अभी आ नहीं रहे, इसलिए जाओ किसी दूसरे पुजारी की व्यवस्था कर दो, नहीं तो पुजारी को बुला करके ले आओ। तब उन्होंने बोले आप चिंता मत करो, अब रहो मैं जा करके मैं पुजारी को ही बुला करके ले आता हूँ। उस समय सबको सो गए थे, बाद फिर घर छोड़ करके बहाना बनाया, हर बहाना बना करके उन्होंने घर छोड़ कर भाग गए, उसको इतना बंद क्यों करते, इसलिए उन्होंने घर छोड़ भाग गए। जब घर छोड़ कर भाग गए, घर छोड़कर जब भाग गए, फिर उन्होंने गांव में ना हल्ला हो गया, अरे फिर भाग गया घर छोड़ करके, फिर जब भाग गया फिर उन्होंने फिर कहते कितना रास्ता, कितना दिन का, कहते 1 महीना का रास्ता, दिन रात उन्होंने सोए नहीं, और चल कर कहाँ चले गए, जगन्नाथ बंगाल से जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन उसको पहले घटना हुई, क्या हुआ, कहते नित्यानंद प्रभु, नाम सुने कि नहीं, नित्यानंद प्रभु, कौन नित्यानंद प्रभु, बोलो नित्यानंद प्रभु कौन है, बोलो बलराम है, हाँ इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु बलराम, अद्वैत आचार्य सदाशिव, गदाधर राधारानी, श्रीवास नारद, उन्होंने जगत में ये पंच रूप में आकर के जगत में ये हरि भक्ति को जगत में प्रचार किया है। अभी जो एक दिन नित्यानंद प्रभु एक स्थान है पानी घाट, अब लोग तो सब गए नहीं इधर रहते हो, इसलिए पानी घाटी एक स्थान है। अभी नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आए, जब आए इतने में इनको भी खबर मिला नित्यानंद प्रभु आए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए गए। जब गए इतने में जब दूर से उनको देखा, बोले चोरा इधर आ, चोर इधर आ, बोले चोर इधर आ, बोले तू चोर हो, चोर किसको कहते हैं, जैसे आपका घर में कोई सामान हो बिना बोले जो घर से उठा कर ले जाए उसको चोर कहते हैं। कहते ये जो राधा कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कौन है,
ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके ये श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए धन किसके हैं, लेकिन राधा कृष्ण महाप्रभु, लेकिन लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त करोगे, कितना बिनु गुरु भवन निधि तरह न कोई जो बिरिंची शंकर सम हुई। बोले ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में सदगुरु आप नहीं अपनाओगे तो भव सागर से तैर नहीं सकते हो है। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। इसलिए राधा कृष्ण किसकी संपत्ति है, बोले गुरुदेव का। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तोमार सकतियाचे आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे है। इसलिए कभी यहाँ भजन करते हैं संतों के लिए, वैष्णव के लिए भजन करते हैं। बोले नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण किसके हैं, बोले कृष्ण श्री वैष्णवों का, गुरु जी का कृष्ण। क्यों, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, बोले संतों के हृदय में, भगवान के हृदय में, संतों के हृदय में, गुरु जी के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर उनका है, भगवान उनका है, हैं? कहते कृष्ण धने धनी गुरुदेव वैष्णव लोग। अगर वो अगर चाहते हैं किसको देना, भगवान को वही दे सकते हैं, और कोई भगवान को हमें नहीं दे सकते हैं, हैं? इसलिए बोले गुरु छाड़ी गोविंद भजे से पापी नरगम जी। इसलिए अगर कोई गुरु को छोड़ करके अपनी आप कोई भगवान को पाने के लिए भजन करता है तो वो पापी नरक मजे, बोले नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु के बगैर भगवान मिलते नहीं भगवान है। इसलिए कहते श्री नित्यानंद प्रभु को रहे, कहते आदि गुरु बलदेव प्रभु। बलदेव, बलदेव मतलब क्या, कृष्ण भक्ति को जो बल देने वाले है। इसलिए जगत में जो मूल गुरु है कहते श्री बलदेव प्रभु ही मूल गुरु है, वही नित्यानंद प्रभु है। अभी इनकी संपत्ति राधा कृष्ण, लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, इन्हें तो आए नहीं, नित्यानंद प्रभु का शरण लिए ही नहीं लेकर के महाप्रभु के पास में बारम्बार भागने की कोशिश करते हैं। बोले संपत्ति तो इनका है, और तुम बिना बोले लेना चाहते हो कैसे ले सकते हो हैं। इसलिए उन्हें बोले तू चोर हो, इधर आ, तेरे को मैं दंड दूंगा। उनको बुलाए, बोले भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज। बोले क्या दंड, बोले सबको उनको फीस खिला, उनको प्रसाद खिलाओ, इनको फीस के दो, भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया है। क्या है प्रसाद, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनता है। इसलिए बंगाल में क्या उनको जो दंड दिया है ना, कहते एक चिड़वा जानते हो कि नहीं, पोहा, जिसको तुम पोहा बोलते हो। इधर तो आप लोग नमकीन से खाते हो, लेकिन उधर कैसे खाते हैं, दो तरह का बनाते हैं, हैं? जब उन्होंने बोले वो तो बहुत बड़े धनी घर के बेटा है, जब बोले सारे संतों को खिला, बोले क्यों, भगवान कहाँ बैठे, संतों का हृदय में बैठे। जब तुम संतों को खिलाओगे उनका हृदय में तो ठाकुर जी है, अगर संत खुश हो गए ना, ठाकुर अपने आप खुश हो जाएंगे, अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए बोले तुम सारे वैष्णवों को भंडारा खिलाओ, उत्सव खिलाओ, हैं, संत कृपा करेंगे तो ठाकुर तुमको मिलेंगे। ए नाव में भर करके उन्होंने गंगा, वहाँ पर गंगा बहुत बढ़िया स्थान, कभी भाग्य होगा तो दर्शन करने, गंगा उन्हें नाव में भर करके चिड़वा और उसमें केले, हाँ दही, और उसमें फिर रसगुल्ले हैं, और उधर एक मिलता है संदेश। कौन कौन बंगाल गए हो, नवद्वीप धाम गए थे ना, वहाँ पर एक संदेश है, संदेश, वो संदेश इधर ऐसे मीठा नहीं बनता, वो उधर ही बनता है, उसका टेस्ट अलग, कभी खा करके आओगे तो खा कर देखना, उसका टेस्ट ही अलग है, हैं, उसका अलग टेस्ट है। इसलिए उनने संदेश और आम है, आम अब उसमें निचोड़ करके ना, उसमें जैसे दो तरह का बनता है, एक तो बनता है एकदम गर्म दूध हो, दूध में उसमें पहले चिड़वा डालते हैं, डाल करके फिर चीनी और संदेश और केले, नहीं तो उसमें आम, थोड़ा कर्पूर डाल देते हैं। अब लोग तो कोई खाए नहीं, बहुत टेस्ट लगता है ऐसे, और एक दही में डाल कर खाते हैं, ये बिहार उड़ीसा में खूब खाते हैं इस चीज़ को, उन्हें डाल करके ना बस, कहाँ न महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर उन्होंने सारे वैष्णव को उन्होंने खिलाया खूब, और महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु भी अलक्षित रूप में आए, कुछ कुछ भक्त लोगों ने दर्शन किया जगन्नाथपुरी से, कैसे उन्होंने आए पानीहाटी में, और सारे भक्तों को उन्होंने बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया, फिर भक्त खुश हो गए, जब भक्तों का हृदय में ठाकुर जी, जब भक्त खुश हो गए ठाकुर भी खुश हो गए। पर नित्यानंद प्रभु इनकी सर के ऊपर अपना प्यार को रखे, आशीर्वाद दिया, जब आशीर्वाद दिया बस सब संतों का आशीर्वाद हो गया, कृपा हो गया,
फिर तो उन्होंने अंतिम समय में जब घर छोड़कर गए ना, फिर गए, फिर तो फिर दो बार उन्होंने घर में वापस नहीं आए। फिर महाप्रभु के पास में उन्होंने चल चल करके रात दिन उन्होंने सोए नहीं, चल चल करके जगन्नाथपुरी में पहुंचा। जो जगन्नाथपुरी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पहुंचाए तो महाप्रभु कहते देखो तुम्हारे ऊपर में ठाकुर जी का बड़ा आशीर्वाद, बड़ी कृपा है। कहते कोटि जन्म रे ठाकिले भाग्य विषय छाड़ी हरी वैराग्य, संसार की माया कौन छोड़ सकता है। बोले करोड़ों जन्म का जो पुण्य हो तभी ये घर गृहस्थी को कोई छोड़ सकता है, नहीं तो माया को कोई छोड़ना इतने आसानी बात नहीं, इतने आसानी बात नहीं। जब संसार का बंधन ऐसे ना बिना झंझट के हाथ प्यार बंध जाती, घर से एक कदम निकालो तो नहीं, बीवी क्या करेगा, बच्चे क्या करेगा, परिवार कितने कितने चिंता है, कितने कितने चिंता है। संसार का आसक्ति छोड़ना इतने आसानी बात नहीं। बोले महाप्रभु बोले ठाकुर की बड़ी तुम्हारी ऊपर कृपा हुई, जो कि ये विषय संसार माया को तुम छोड़ करके तुम भगवान की शरण में आए हो, हैं भगवान ठाकुर की शरण में तुम आए हो, बहुत बहुत भाग्य से आए हो। महाप्रभु वहाँ पर उनका सेवक था गोविंद, बोले देखो इनको थोड़ा देखना, क्योंकि बहुत बड़े घर के बेटे थे, इसलिए इनको थोड़ा देखना। वो महाप्रभु का प्रसाद देते थे, उनके पिताजी को जो पता चला मेरे बेटा फिर चला गया छोड़ करके संत बन करके, फिर उन्होंने बहुत बात लाए, अभी नित्यानंद प्रभु का कृपा हो गया है, जब हो गया फिर उसको ले नहीं पाए, फिर उन्होंने कुछ सेवक भेज दिया है, उनको ब्राह्मण भेज दिया, उनको रोज रोज रसोई बना कर खिलाने के लिए, और 400 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने भेज दिया। फिर बेटे को कोई दिक्कत नहीं हो, रहने के लिए खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, तुम लोग मेरे बेटे को रसोई बना कर खिलाते रहना, इतना बड़ा घर। महाप्रभु का निमंत्रण देते थे, महाप्रभु आते थे भोजन करते थे और निमंत्रण देते थे, लेकिन जब कुछ दिन गया ना, फिर उनको लगा नहीं ऐसे करना ठीक नहीं, पिताजी विषय है। कहते विषय का अन्न, विषय मतलब होता है क्या, दिन भर केवल प्रभु का भजन भजन से कोई मतलब नहीं, दिन भर पैसा 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 उसमें जो डूबा हुआ है, भगवान की भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको कहते विषय। कहते ऊपर से तो ये लगता है इसे साधु, लेकिन घोर विषय है, इनका दिया हुआ वस्तु खाएंगे तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, इसलिए अन्न शुद्ध होने पर मन तुम्हारी शुद्ध होगा। अगर विषय पाप के द्वारा कमाया हुआ उल्टा पुल्टा चीज से पैसा कमा कर खाओ तो वो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, पर बुद्धि तुम्हारे भजन में नहीं लगेगी, इसलिए शुद्ध रूप में कमा कर खानी चाहिए। पिता विषय और मैं भजन करने के लिए आया हूँ, तो भजन करने के लिए आया हूँ। कहते हैं जो भक्ति करने के लिए आए उनको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। बोले रक्षित सती थी विश्वास गुप्त वर्णम तथा, इसका मतलब है भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, ये हृदय में हमारी विश्वास हो। और क्या गुप्त थे मतलब भगवान हमें जरूर पालन करेंगे। जब वो चिट्ठी से लेकर के एक हाथी तक भी पालन करते हैं तो क्या हमें भी पालन नहीं करेंगे। अगर हम छोड़ करके प्रभु की भजन के लिए आए, क्या वो फिर हमें पालन नहीं करेंगे क्या? वो जरूर पालन करेंगे। इसलिए उदाहरण देते हैं, जिन बालक राखे मेहतारी, गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे घर में बच्चा है, बच्चा खाने पीने का कोई चिंता करता है नहीं, वो दिन भर खेलता कूदता मस्ती रहता है, लेकिन उसका चिंता कौन करते हैं? मेहतारी माँ करती है। हाँ माँ की चिंता, बेटा सबरे इतना समय पर भोजन किया था, अगर खेल रहा है ना भोजन नहीं किया होगा तो मैया क्या करेगी, अभी तक भोजन नहीं किया तो भूख लग गया, ए आजा भोजन कर ले, अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर उसको मार मार कर खिलाएगी, अगर नहीं खाएगी तो उसको हाँ मुंह में चम्मच दे करके मुंह में डाल डाल कर उसको खिलाएगी, क्योंकि जो बच्चा है वो माँ की अधीन में माँ की शरण में है। इसलिए अगर बच्चा अगर रात को सो जाता है, बच्चा सो जाता है दिन भर खेल कूद करके, फिर मैया क्या करती है, जब तक बच्चे को खाना नहीं खिलाती है मैया खा लेती है, खा लेती हो, अगर किसी ने बोला तू खा ला बच्चा नहीं खाए, बोले नहीं वो भूखा होगा खाया नहीं, उसको जोर जबरदस्ती उसको माँ खिलाती है, माँ उसको खिलाती है। कहते उसी तरह जब हम भगवान की शरण में आएंगे ना, भगवान की शरण में आएंगे उस समय में, फिर तो हमें खाने पीने का कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता कौन करेगा, जैसे बच्चे को जैसे माँ रक्षा करती है
भगवान भी अपना कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, इसलिए भगवान की अगर हम सही सही उसकी भक्ति करें तो भगवान की चिंता लग जाती है। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, ये वृंदावन की कथा है। एक समय क्या हुआ, वृंदावन में संत लोग भजन करते थे और घर घर में जाकर माधुकरी माधुकरी जानते हैं, रोटी सब्जी ला कर लाकर भोजन करते थे, दिन रात भजन करते थे। एक दिन ठीक दोपहर में क्या हुआ, जिस समय वो जाएंगे माधुकरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, बड़ी तेज आंधी तूफान आई, इतने आंधी तूफान बरसात होने लग गई, घर से कोई निकल नहीं पाए, कहते भूखे ना भजन हो भजन, संत लोग तो भजन कर रहे हैं भगवान के हरिनाम पे कर रहे हैं, लेकिन पेट में चूहा कूद रहे हैं, पेट में चूहा कूद रहे हैं, अगर ज्यादा भूख लगे ना भजन भी मन नहीं लगता। इधर इधर क्या हुआ, भगवान गीता में प्रतिज्ञा किए हैं, जो मेरे अनन्य रूप में मेरी शरण में जो आए हैं ना, सब दायित्व मेरे ऊपर, घर में जो चीज नहीं हो मैं उसको पहुँचाता हूँ स्वयं, जो है मैं स्वयं रखवाली करता हूँ। इधर क्या हुआ, अभी तो तेजी आंधी तूफान बारिश हो रहा है, संत लोग बाहर नहीं जा पा रहे, घर में बैठ कर भजन कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, इधर राधा कृष्ण दोनों ने उन्होंने खबर भेजा था आज इसी स्थान पर हम मिलेंगे, हैं इसी स्थान पर दोनों आकर मिलेंगे, आज हमारी लीला होगी। इतने में कृष्ण पहले आए सखियों के साथ में आकर के राधा रानी के लिए अपना हाथों से सुंदर कुंज बनाए, फूलों की सज्जा बनाए, फूलों की उन्होंने कुंज बना करके कृष्ण बैठे हुए, राधा रानी इतने समय पर आएगी। लेकिन जब निर्दिष्ट समय पर इधर क्या हो गया, इधर तो संत लोग भूखे में बैठे हुए, संत लोग भोजन नहीं, घर में अगर बच्चा अगर भोजन नहीं करता इसका चिंता किसकी है, माँ करती है ना, ना बाप करता है, माँ करती है, रोटी बना के नहीं, सब्जी बनी कि नहीं, टाइम पर सबको भोजन देना, ये माँ करती है। और जगत का माँ कौन है, राधा रानी, जगत का माँ कौन है, राधा रानी। अभी तो इनको चिंता लग गई, मेरे बच्चे बैठ कर हरि नाम मेरे हमारे नाम कर रहे हैं, मेरे आश्रय पर बैठे हुए और उनके घर में कुछ है ही नहीं। इतने में राधा रानी ने क्या किया, रोटी बनाई, उन्होंने चावल बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, बना करके ना राधा रानी स्वयं आकर के जो संत लोग थे घर घर में घर में घर सबको जाकर राधा रानी रूप बदला कर सबको घर में, बाबा भोजन नहीं किया, आज लो ये सब्जी लो, दाल लो, चावल लो, ये सब्जी घर घर में दे कर गए। ये इधर तक कृष्ण कुंज बना कर बैठे हुए, राधा रानी अभी तक आए नहीं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर में आते हैं। अभी इसको देख करके ना, अभी इधर लेट हो रही है, कृष्ण बाहर अंदर कर रहे, इधर राधा रानी आए नहीं रही है। लेकिन जब राधा रानी सबको रोटी दाल सब्जी सबको खिला करके जब राधा रानी फिर उन्होंने वापस आई, इतने में कृष्ण तो रूठ गए, इतने में कृष्ण मुंह मोड़ कर बैठ गए, हैं इतने में राधा रानी बोली भैया ये महापुरुष तो रूठ क्यों गए। तो सखिया कहती है तुम कितने बजे समय दिया था आने के लिए, हैं इतने समय, अभी देखो घड़ी देखो कितना समय हो रहा है, इतना लेट क्यों किए। इतने में राधा रानी कहती श्याम सुंदर आप ही तो गीता में प्रतिज्ञा किए हो, मैंने तो प्रतिज्ञा नहीं की, क्या प्रतिज्ञा किए हो, जो अनन्य रूप में मेरे चिंता न करते हैं, अनन्य मतलब क्या, दूसरे कोई देवा देवी नहीं, आज इसी देवी की पूजा किया कल उसी देवता को चले गया, नहीं, जो एक अनिष्ट रूप में होकर के सारे ज्ञान कर्म को छोड़ करके हैं अनन्य रूप में एकांत की जो मेरी भक्ति करते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, घर में जो चीज नहीं हो मैं स्वयं पहुंच जाता हूँ, और जो चीज मैं रखवाली करता हूँ, अपने प्रतिज्ञा किया ना। बोले हाँ, बोले आज क्या हुआ तुमको पता है, तुम्हारी जो भजन कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं संत लोग, जिस समय जाएंगे माधुपुरी के लिए भिक्षा के लिए, उस समय में घना घोर बारिश आंधी तूफान आ गई, बेचारा घर से बाहर नहीं निकल पाए, और बैठ करके हरे कृष्णा जोर बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब बैठ कर तेरे भजन कर रहे थे अब भूखे, इसलिए मैं क्या की रोटी चावल सब्जी दाल बना कर घर घर में दे करके आई हूँ, इसलिए मेरी इतना लेट हो गई। है जब इतने बोले कृष्ण का दिल तक एकदम पिघल गया, है उन्होंने पिघल गया,
तो राधा रानी के चरण में गिर पड़े। बोले राधे तू तो घर की माँ है ना, माँ ही चिंता करती है घर में बच्चों को भोजन मिला कि नहीं मिला। प्रतिज्ञा तो मैंने की लेकिन पालन कौन करती है, माँ ही खिलाती है, हैं उनके चरण में गिर पड़े। इसलिए जो भगवान की अभी रघुनाथ दास गोस्वामी इनको पिता माता ने भेज दिया पैसा, बोले नहीं ये ठीक नहीं है, अगर पिताजी मेरे पास में पैसा भेजे भोजन के लिए इसका मतलब है हमें पूर्ण रूप में विश्वास नहीं है भगवान की। भगवान की भक्ति करने से भगवान ही हमारे जीवन को पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन अभी हमारे पूर्ण विश्वास नहीं। इसलिए पिताजी जो चीज भेजा उसको ग्रहण करना ठीक नहीं। उन्होंने बोले भैया तुम लोग वापस चले जा, मैं अपना जीवन देख लूंगा, तुम अपना चले जाओ। उनको भेज दिया देश में। अभी भोजन कैसे करेंगे, कहाँ से भोजन करेंगे अभी? तब वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, पूरी गए हो? कोई नहीं गए। इस बार रथ यात्रा के लिए तैयारी हो जाओ। अगर ये करुणा नहीं रहेगा हैं, अगर ये करुणा नहीं रहेगा तो एक बार जगन्नाथपुरी में रथ ऊपर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने से शास्त्र कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है, पर जगत संसार में आना नहीं पड़ता है। एक बार हर जगह को दर्शन करनी चाहिए, ठीक है? इस बार से तैयारी हो जाना जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाने के लिए, अगर करुणा सही रहा तो है? 3 साल से वेट कर, हाँ 2 साल तक तो हुई है रथ यात्रा तो हुई है, लेकिन उसमें बाहर लोगों का अलाव नहीं किया, अलाव नहीं किया। इसलिए इस बार अगर सही रहा तो होगा, ठीक है? इसलिए उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर में क्या होता है अंदर में, वह एक आनंद बाजार जहाँ पर दाल चावल सब्जी मालपुआ हैं और हलवा जहाँ पर बिकती हैं बड़े सुंदर सुंदर मीठा चावल, वहाँ पर चावल भगवान को, भगवान चावल भोग लगता है। इसलिए और वहाँ पर क्या होता है जो बेचने वाले होते हैं वहाँ पर बिकता है, जो लास्ट में जो बच जाता है ना, जो बाहर में जो दुखी दरिद्र लोग होते हैं उनको जाते समय उनको दे जाते हैं। वो बाहर में गेट में खड़े रहते थे, जब वो लोग जाएंगे हमें कुछ दे करके जाएंगे, उससे ही खा लेकर पेट भर लेते थे, भजन करते थे। लेकिन वहाँ जब कुछ दिन उन्होंने ऐसे ग्रहण किया, महापुरुष पहले तो खुश हुए, बोले अच्छा किया तुमने, भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए, ठाकुर ही हमें पालन करते हैं, ये काम को तो बहुत अच्छा किया। और वहाँ पर ग्रहण करते हो, जब कुछ दिन गया ना महापुरुष पूछा रघुनाथ कैसे भोजन कर रहा है, बोले ऐसे मंदिर को बाहर खड़े रहते हैं, जब चीज कोई बिकता नहीं उसको दे जाते हैं। महाप्रभु उसमें भी खुश नहीं हुए, बोलते वेश्यावृत्ति है इसको, बोले वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति मतलब होता है वेश्या क्या करती है अपना शरीर को सजा सजा करके ना बैठी रहती है, तो बैठी रहती है जब दूर से किसी को देखती है बोले ये तो जरूर मेरे पास में आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ देख ले जाएगा, देखा वो तो चली गई ही नहीं, फिर और दूर से देखती हैं और कोई आ रहा है कि नहीं, देखता अगर कोई दूसरा पुरुष आ रहे हैं बोले जरूर ये मेरे पास में आएगा, हैं जरूर कुछ दे जाएगा, कहते ये किसको पर निर्भर करके शायद ये दे जाएगा ये दे जाएगा, बोले तुम जो बाहर खड़े होकर जो भावना है शायद ये आकर दे जाएगा खिलाएगा तुम खाओगा नहीं तो नहीं खाऊंगा, वो आकर के बोले ये वेश्यावृत्ति है ठीक नहीं है, उसको भी त्याग दिया। फिर खाएंगे क्या? फिर जगन्नाथ मंदिर में कभी कभी चावल जब नहीं बिकता था, एक स्थान है उसको वहीं पर लेकर के गैया के लिए, वो गैया हो तो वहीं पर फेंक देते थे, जब फेंक देते थे 1-2 दिन का चावल अब से सड़ जाता है, वो क्या करते हैं उसको धो लेते हैं, उसको धो करके ना हाँ उसको धो करके देखना चावलों के बीच में थोड़ा कड़क रह जाता है थोड़ी सी है चावल, 2-4 बार धो कर उसमें नमक डाल कर खा लेते थे। तो उन्होंने ऐसे उन्होंने भजन किया, तो उसको नमक डाल के भोजन कर रहे थे, भजन करते थे, एक दिन भगवान स्वयं आ गए, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आ गए और आ करके बोले बोले हरिदास बोले रघुनाथ तू रोज रोज इतने बढ़िया बढ़िया चीज तुम अकेले खाते हो मेरे को नहीं देते हो, हाँ भगवान स्वयं ठाकुर जी उसको उठाकर एक बार खा लिए, ठाकुर जी 2 बार खा लिए, जब तीसरी बार खाने जा रहे थे इतने में उनका स्वरूप दामोदर था, बोले प्रभु ये आपका भोजन नहीं है, मना कर दी। इसलिए इतने का इनका जो वैराग्य है, कल सुन रहे थे ना राधा कुंड में जब रह करके भजन करते थे, हैं एक चूल मट्ठा पी करके और राधा रानी स्वयं आ करके जिनके सर के ऊपर में चुंदरी से उनकी छाया करते थे, राधा रानी स्वयं पीछे खड़े होकर के क्यों धूप में बैठ कर भजन कर रहे, इतने उनने भजन किया। इसलिए इनकी कहते रघुनाथ का वैराग्य जैसे पाषाण का रेखा है, पाषाण का रेखा बोले, इसलिए ऐसे उनकी वैराग्य, उन्होंने ऐसे उन्होंने भजन किया। जब कुछ दिन उन्होंने भजन किया तब महाप्रभु जी बोले देखो अभी तुम
वृंदावन जाओ, अभी तुम वृंदावन चले जाओ। और जो महाप्रभु कहते हमारे पूरी में एक स्थान जहाँ पर वो रहते थे, और वहाँ पर एक राय रामानंद और एक स्वरूप दामोदर, ये ललिता विशाखा है, ये महाप्रभु को साथ में रहते थे। कहाँ पर? गंभीरा में। रात भर जा कर के महाप्रभु हैं कहते, महाप्रभु जो उनका जो प्रेम में उनका जीवन में कहते, उनका जीवन कैसे कृष्ण प्रेम में राधा रानी की दीवानी बनी रहती थी। महाप्रभु का हृदय में जो प्रेम के उद्गार कैसे ललिता विशाखा उनकी समझाया करते थे। उन्होंने वहाँ पर के स्थान रहा करते थे सातासन रोड, और वहीं पर देखते रहते थे कब श्री स्वरूप दामोदर आएगा। स्वरूप दामोदर ये है ललिता सखी है, वो भी वहीं रहते थे, एक साथ में रहते थे। जब वो आते थे उनसे पूछते थे, आज महाप्रभु का हृदय में कौन सा भाव प्रकट हुआ, महाप्रभु आज कौन सा भाव में विभावित हुई, आज महाप्रभु के साथ में क्या हरी कथा हुई, वो आकर के स्वरूप दामोदर बोलते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी उन्हें नोट करते, जिसको नोट बुक कहते हैं, उसमें सब नोट करते थे, आज महाप्रभु के साथ में ये कथा हुई, ये कथा हुई, आज ये लीला हुई, ये सब नोट करते थे। और भविष्य में क्या हुआ उसी नोट को लेकर के हैं कहते, एक ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उसका नोट को लेकर के उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को लिखे, महाप्रभु क्या क्या कैसे कैसे महाप्रभु लीला करते थे। फिर जब उनको कहाँ पर आए, वो आए श्री वृंदावन में। जब वृंदावन में आए कहते, उनको महाप्रभु ने दो चीज दिया था, बोले एक तो गिरिराज शिला दिया था और एक गुंजा माला। बोले रघुनाथ ये जो गिरिराज शिला है, ये गिरिराज शिला नहीं, ये कृष्ण स्वयं है। जो गुंजा माला तुम्हें दे रहा हूँ, ये गुंजा माला नहीं, ये श्री राधा रानी। तुम उनको राधा कृष्ण मान करके उनको तुम सेवा करते रहना। तब रघुनाथ दास गोस्वामी उनको सेवा करते थे, आँखों का आंसुओं से मतलब प्रेम से उनको स्नान कराया करते थे। उनको ठाकुर जी की भोग लगा, खाजा, एक खाजा होता है उड़ीसा में, उसको भोग लगाते, तुलसी दल देकर उनको भोग लगाते थे। जब उसको ले करके आए हैं, ले करके आए कहाँ पर, जब वृंदावन में राधा कुंड में ले करके आए, उसको रख करके उनको पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, कृष्ण और राधा रानी मान करके। जब सेवा करते थे राधा कुंड से श्याम कुंड के बीच में, सेवा करते समय क्या हुआ है, सेवा करते समय वहाँ पर राधा कुंड जो श्याम कुंड, कभी गए हो गोवर्धन में परिक्रमा लगाए कि नहीं, हाँ, जो राधा कुंड श्याम कुंड पहले इतने सुंदर नहीं था, वो कीचड़ कीचड़ जैसे था, लोग आते थे स्नान करने के लिए, ठीक से स्नान नहीं कर पाते थे। इस चीज को देखते थे, इनके मन में भावना होता था अगर ये राधा कुंड श्याम कुंड अगर सही सही हाँ पत्थर से अगर बन जाता सीढ़ी, लोग क्या करते थे, अनायास में स्नान कर सकते थे, अच्छे तरह से यहाँ पर व्यवहार कर। उनके मन में ये भावना हुई, जब भावना हुई, एक बहुत बड़ा जमींदार था, वो बहुत सारे धन दौलत लेकर के वो जा रहा था दक्षिण, जब नारायण का जो मंदिर है, बालाजी जो मंदिर है, वो मंदिर की सेवा के लिए ले जा रहा था। इतने में नारायण ने स्वप्न दिया, बोले भी जो पैसा लेकर मेरे पास में आ रहे हो, ये पैसा को तुम ले जा कहाँ पर, गोवर्धन में राधा कुंड श्याम कुंड में एक संत रहते हैं जिनका नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये पैसा लेकर तुम उनको दो, वो पैसा से वो कुंडक बनाना चाहते हैं। तो वो पैसा लेकर जाए, बोले बाबा बाबा ये रघुनाथ बाबा कौन, बोले ये बाबा है, बोले ठाकुर जी मेरे को स्वप्न दिया, ये पैसा लो, राधा कुंड श्याम कुंड अच्छे तरह से इसको बढ़वा करके पत्थर का सीढ़ी लगा करके इसको बना दो। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते हैं भगवान कहते जो राधा कुंड श्याम कुंड है ना, शास्त्र में वर्णना किया है, कहते ये कैसे है राधा कुंड श्याम कुंड, कहते चिंतामणिमय राधा कुंड तट, वो साधारण स्थान नहीं, वो चिंतामणि से बनी हुई है, हैं? और वहाँ पर वृक्ष में क्या होता है, मुक्ता फल, वृक्ष में मुक्ता फल होता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है मुक्ता चरित्रम। क्या नाम है? मुक्ता चरित्रम। क्योंकि वहाँ के जो वृक्ष में वो दिव्य वृक्ष है वृंदावन के, है कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने, कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो, कहते वृंदावन के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष है ही नहीं है, जिसमें मुक्ता फल अवनत, जिस वृक्ष में मुक्ता होता है। मुक्ता कहाँ होता है? समुद्र में, शिव के अंदर में,
शिव के अंदर में ये मुक्ता होता है, लेकिन वृंदावन की वृक्ष में मुक्ता फल होता है, है? इसलिए उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है मुक्ता चरित्रम। तो मुक्ता चरित्रम मतलब क्या? बोले एक समय जब कृष्ण द्वारका में रहते थे, एक दिन सत्य भगवान ने कृष्ण से प्रश्न की, बोले प्रभु मैंने सुना है आप जो वृंदावन में थे ये मुक्ता तो होता है समुद्र में शिव के अंदर में, हमने सुना आपने क्या पेड़ लगाया था मुक्ता के, पेड़ में भी मुक्ता फल हुई है, अब थोड़ी कृपा करके बताओगे आपने कैसे वो पेड़ लगाया, क्यों ये पेड़ लगाया, ये पेड़ में कैसे मुक्ता फल हो, आप थोड़ी कृपा करके बताओगे। बस कृष्ण इतना सुनते ही तो कृष्ण का आंखों से आंसू बहने लग गए, कृष्ण रोने लग गए, क्यों? क्योंकि उनको याद आया उन्होंने राधा रानी को साथ में कैसे खेला करते थे, गोपियों को साथ में कैसे लीला करते थे, कैसे गोपी विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, लेकिन गोपियों का प्रेम में कृष्ण कितने वशीभूत थे, सारा दुनिया को जो नचाने वाले उनको नचाने वाले राधा रानी थी, ये गोपियां थी, उनका कैसे उनका प्रेम था, कैसे लीला करते थे, स्मरण कर कृष्ण रोने लग गए। फिर रोने लग गए तो सत्य भगवान बोले प्रभु आप थोड़ा बताओगे मेरे को ये मुक्ता वृक्ष कैसे लगाए। फिर कृष्ण फिर उनने कथा सुनाई, बोले देखो एक समय दीपावली का समय आया, दीपावली में गोपियां मुक्ता की माला बना रही थी, हाँ मुक्ता की माला जैसे पहनते ना, मुक्ता की माला पहनने के लिए बना रही थी। मैंने भी जा करके बोला, बोले गोपियों से बोले मेरे को भी थोड़ा मुक्ता दोगे, मेरे जो हैं मेरे जो हिरण हैं ये हिरण को भी और बछड़े को भी मैं थोड़ा मुक्ता का माला पहनाऊँ, इसलिए मेरे को भी थोड़ा मुक्ता फल दोगे। लेकिन इतने में राधा रानी गोपियों ने बोला मुक्ता गैया को चराने वाले ग्वाला, हाँ तेरे को मुक्ता की कीमत क्या है, हाँ ये हिरण और बछड़े को पहनाने के लिए और ये मुक्ता इतनी कीमती है और ये मुक्ता पकड़े हो बछड़े और हिरण को पहनाने के लिए। तो गोपियों ने क्या हंसी दिलाई करते हुए थटा करते हुए जो टूटे फूटे हुए मुक्ता थे ना, जैसे किसी को खिली उड़ाते है, हाँ चिढ़ाते है, हैं बोले ले इसको लेकर ले जाए इसको ले ले। कृष्ण को तो अभिमान हुआ, बोले क्या मैंने अपना बछड़े और हिरण के लिए मुक्ता मांगे तो मेरे को ऐसे खिली उड़ाए हंसी उड़ाए हम मजाक उड़ाए, बोले तुम गोपियों को मजा चखाऊ। इतने में कृष्ण अपना मैया के पास में गए, मैया के पास में जाकर बोले मैया मैया मेरे को थोड़ा मुक्ता फल दोगे, बोले लाला क्या करोगे, बोले पेड़ लगाऊंगा, बोले पागल मुक्ता कभी पेड़ में होता है, मुक्ता होता है समुद्र में शिव के अंदर भी मुक्ता होता है, हाँ ये कोई पेड़ लगाने वाली चीज। इतने में कृष्ण ने क्या किया, मैया को बिना बोले सिंदूक जान तो सिंदूक, हाँ पहले सिंदूक में सब चीज रहता था जो लोहे का सिंदूक होता था लकड़ी का, उन्होंने उस सिंदूक से ना चोरी करके मुक्ता लेकर गए और गोपियों को दिखा दिखा करके उन्होंने जमुना किनारे में उन्होंने खेती करवाया हाल चौसे चोस करके फिर उन्होंने मुक्ता पेड़ लगाया। गोपियां बोले पागल हैं, मुक्ता कहीं जमीन में होता है, वो तो समुद्र में होता है शिव के अंदर में, लेकिन कृष्ण तो भगवान है वो तो है तो नहीं नहीं को है कर सकते है। उन्होंने मुक्ता फल लगाए और गोपियों को दिखा देकर उसमें दूध डाले गोपियों ने दिखा दिया और गोपियां तो हंसी दिलाई कर रहे थे पागल है सखा लोग क्या कर रहे, हाँ जमीन में मुक्ता गा रहे यार बर्बाद क्यों कर रहे, लेकिन भगवान तो भगवान है। फिर देखा सचमुच से वहां से वृक्ष निकला, इतने सुंदर वृक्ष उसमें जो फूल खिला है ना उसका सुगंध से चतुर्दिग एकदम पूरा उन्माद हो गया इतने, और जो फल आया ना कहते आठ तरह का मुक्ता बताए, हाँ कितने तरह का आठ, लेकिन उसमें जो मुक्ता फल आई अद्भुत मुक्ता फल आया, अद्भुत आठ तरह से मुक्ता से भी निराला मुक्ता फल आया उसमें अद्भुत, इतने सुंदर फल आया। गोपियां बोला अरे मुझसे तो मुक्ता पेड़ हो गया, मुक्ता पेड़ है और क्या सुंदर मुक्ता, क्या फूल खिला ऐसा सुगंध से चार दिख अपना अमोल प्रमद हो गया। इतने में कृष्ण ने क्या किया, मुक्ता बोले तुम लोग मेरे को ऐसे किया, तुमने मुक्ता की माला बनाया, जितने उनको बछड़े गया थे ना सब गले में पहना है, सब गले में पहना है उन्होंने, हैं कहते ये कथा आती है, हैं इसलिए जब और दूसरे कभी आती है कभी जैसे लड़का लड़की से संबंध होता है ना शादी के समय होता है, शादी में क्या होता है लड़की वाला लड़का के लिए कुछ देते हैं लड़का वाला लड़की के लिए कुछ देते हैं। इतने में जो कृष्ण राधा रानी से शादी की बात चली, इतने में नियम है लड़की वाले लड़का को कुछ दे
लड़की वाले वृषभानु महाराज ने किया क्या, राधा रानी के घर में उन्हें मुक्ता की उन्होंने माला भेजा, बड़े सुंदर मुक्ता भर करके। इतने में जब मुक्ता फल भेजे, नंद बाबा बोले भैया इतने वो बड़े धनी थे वृषभानु महाराज, और ये इतने मुक्ता फल देखे, बोले भैया हमारे पास में तो इतना मुक्ता है ही नहीं। नियम क्या, जब लड़की लड़की वाले भेजते ना, जैसे लड़के वालों को ज्यादा भेजनी चाहिए लड़कियों को पास में, है ज्यादा भेजनी चाहिए। बोले भैया हमारे घर में तो मुक्ता इतने, हमारे इतने बड़े धनी वृषभानु महाराज, हमारे घर में तो इतना पैसा है ही नहीं, इतने मुक्ता फल है ही नहीं। इतने में कृष्ण देखा, पिता तो बड़े चिंता में, माता बड़ी चिंता में बढ़ी गई, कहते मुक्ता फल कहाँ से किया रे। कृष्ण उस समय में बोले कोई चिंता नहीं, कृष्ण मुक्ता पेड़ लगा उन्होंने, हे मुक्ता पेड़ लगा करके ना एकदम सारे इतने मुक्ता फल हुए। कृष्ण सकट गाड़ी में, उन्होंने तो थोड़ा उन्होंने के झूड़ी में भेजे थे टोकरी में, उन्होंने गाड़ी भर करके मुक्ता फल भेज दिए, गाड़ी भेज कर मुक्ता फल, और जितने गैया बछड़े को उन्होंने मुक्ता मुक्ता ही माला लगा दी है। ये एक कथा आती है, जो दूसरी ये कथा जब हुई, इतने में गोपियों ने जब देखा अरे उन्होंने तो मुक्ता पेड़ लगा दिया, बोले हम भी लगाएंगे, कृष्ण की आंकड़ा जानते हम भी नहीं कर लगा सकते, उन्होंने बोले हम भी मुक्ता की पेड़ लगाएंगे। उन्होंने भी गोपियों ने राधा रानी मिलकर खेत जोसी जोत करके, फिर घर में जितने मुक्ता था ना पतियों को बोले ही नहीं, क्योंकि पति लोग तो देंगे ही नहीं है। फिर उन्होंने पतियों को बिना बोले छुपा छुपा कर लाए, बोले तो पेड़ होगा फिर घर में रख लेंगे। लेकिन जब ला करके उन्होंने जब पेड़ लगाया ना, बोले तुमने दूध डाला ना, हम तो मक्खन डालेंगे, हमारे मुक्ता भी बढ़िया होगा। उन्होंने भी मक्खन डाले, लेकिन वहां से मुक्ता तो फल नहीं हुआ, जितना बबलू पेड़ देख रहे ना सब, जो बबलू पेड़ वहां पर हुआ सब कांटा फेड़ हुआ, हाँ कोई कोई मुक्ता फल नहीं हुआ। कि कारण क्या है, कारण सिखाते है, अगर भगवान को छोड़ करके कोई भी तुम काम करोगे ना भैया, वहां पर बबलू के पेड़ होगा, वहां पर फल का पेड़ नहीं होगा, बबलू पेड़ निकलेगा वहां पर, कोई पेड़ नहीं, केवल वहां पर कांटा ही कांटा वृक्ष वहां पर हुई। इतने में बोले हे गोपियां तो बड़े डर गए, क्यों पतियों को बिना बोले बोले छुपा छुपा करके वहां से निकाल कर राय सिंधु से, और सोच रहे तो होगा तो हम रख ही लेंगे, लेकिन हुआ ही तो नहीं, वो तो बबलू का पेड़। बोले पतियों को पता चलने का कि डंडा नीचे नहीं गिरेगा तो पीठ पर गिरेगा, अरे सारे मुक्ता को तुमने हाँ खेती में तुमने बर्बाद कर दिए, पिटाई होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, सब चिंता में बढ़ गए। बोले भैया किसी तरह से कृष्ण का शरण में लेना पड़ेगा, कुछ सोना चांदी लेकर के उसको बदला करके क्या करना पड़ा, मुक्ता फल ला करके जैसे सिंधु का से छुपा छुपा कर ले गए थे ना, ऐसे छुपा छुपा कर रख लेंगे। लेकिन जाए तब जाए कैसे कृष्ण के पास में, क्यों कृष्ण हमें मुक्ता पहले मांगने आए थे, हम उनके साथ में हंसी दिलाई किया, खिली उड़ाए उनको हैं, अभी जाए तो जाए कैसे उनके पास में, शर्म है क्योंकि हमने दिया नहीं, जब वो क्यों देगा। तब सखियों में बात होने लगी, कौन पहले जा, बोले तू जा, मैं नहीं जा, बोले तू जा, मैं नहीं जा, बोले तू जा, अभी कौन जाएगा उनके पास में। फिर जब राधा रानी गोपियां आई ना, कृष्ण उनके साथ में खूब हंसी दिलाई किया ठाकुर ने, हाँ इसलिए मुक्ता फल है, इसलिए कहते राधा कुंड में है, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे हैं भैया यहाँ तो जो सीढ़ी जो दिव्य धाम वृंदावन धाम है, हाँ चिंतामणि प्रकट सदम सुकल्प वृक्ष, वहाँ के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष, वहां पर चिंतामणि भूमि है, इसलिए अभी चिंतामणि भूमि, अभी जब उनको पास में पैसा देने के लिए आए ना, कहते कहाँ राधा कुंड दिव्य भूमि, कहाँ मैंने हाँ मन में इच्छा की, क्या इच्छा की ये सीढ़ी को बनवाने के लिए, मैंने गलती की, कहाँ भजन कर रहा था, कहाँ भजन छोड़ कर इसको पीछे लगना पड़ेगा। बोले भैया ये पैसा भी तू ले जा, ये पैसा तू ले जा, जरूरत नहीं पैसा की। इतने में फिर ठाकुर जी स्वप्न दिए रघुनाथ को, बोले रघुनाथ बहुत लोगों का कल्याण होगा, अगर ये सीढ़ी बंधवा दोगे तो हजार हजार लोग आएंगे, आचमन लेंगे, स्नान करेंगे, कितने पुण्य होगा, कितने सुकृति भक्ति मिलेगी उनकी, इसलिए इसको तुम स्वीकार करो। तब उन्हें स्वीकार करके अब देखना राधा कुंड जो बना है ना, देखना चौकुना होकर राधा कुंड उन्हें बना दिया। लेकिन जब कृष्ण कुंड को बनाने जा रहे थे, लेकिन रात को स्वप्न आया ये पंच पांडवों का, और पंच पांडव स्वप्न दी, बोले रघुनाथ हम ये पंच पांडव है, हम लोग ये राधा कुंड के तट पर राधा रानी के प्रेम को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर वृक्ष बनकर बैठे हैं, तुम आकर के इसी दिशा में देखना, दक्षिण दिशा में हम पांच वृक्ष एक लाइन से, हम वृक्ष नहीं, हम ये पंच पांडव ये वृक्ष लेकर के राधा जी के चरण में, हाँ राधा जी की दासी बनने के लिए भजन कर रहे हैं,
अगर उस कुंडों को अगर तुम चौगुना बनाओगे ना, हम उस काटे जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए हमको काटो मत, जैसे कुंड है वैसे बना दो। अब देखना जो कृष्ण कुंड है ना, ये कृष्ण कुंड कौन, राधा कुंड कौन है, राधा कुंड स्वयं श्री राधा राम, कृष्ण कुंड स्वयं कृष्ण है, इसलिए शास्त्र ने बताया यथा कुंड यथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सेविका विष्णु रतन वल्लभा, कि जो राधा कुंड है जैसे भगवान विष्णु का, जैसे राधा रानी जैसे प्रिय है, ये कुंड भी वैसे प्रिय है, इसलिए कुंड नहीं वो राधा रानी, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कुंड कृष्ण है, कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, देखना कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, वो कुंड को भी देखना वो तीन जगह से टेढ़े, जैसे राधा रानी सिद्धि है वो कुंड भी सिद्धि है, हाँ लखे करके दर सिद्धि है, इसलिए बोले भैया ठाकुर को जैसे इच्छा है वैसे होगा, तो उन्होंने जैसे था वैसे उन्होंने कुंड को उन्होंने बना दिया, और वहीं बैठ करके उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को वहीं पर उन्होंने लिखे हैं, और एक विशेष ग्रंथ है जिसका नाम श्री विलाप कुसुमांजलि है, मतलब राधा जी के चरण में रो रो करके जैसे हम ठाकुर को चरण में एक एक फूल अर्पण करते हैं, उन्होंने ठीक उसी तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने रो रो करके राधा रानी के चरण में एक एक श्लोक को ही उन्होंने राधा रानी के चरण में उन्होंने अर्पण किया है, इसलिए कहते वो जो ग्रंथों के अंदर में उन्होंने ये दिखाए जो राधा रानी की जो छोटी छोटी मंजरी दासी हैं, हैं ये दासियों की कितने महिमा, महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में आकर के कहते अनर्पित चरिंचिरात करुणयाव तीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सोभक्ति श्रिय, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु जगत में आते हैं, राधा जी की वो स्वभक्ति का जो श्री सौंदर्य, मतलब एक छोटी छोटी सखियां होती है जिसका नाम मंजरी, क्या कहते हैं मंजरी उनको कहते हैं, छोटी छोटी सखियां, वो कैसे राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जब राधा कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, जहाँ पर ललिता विशाखा सखियां भी अंदर में जाने के लिए उनको संकोच लगता है, लेकिन जो मंजरी छोटी छोटी होती है लेकिन वो अंदर में घुस जाती है, जा करके राधा कृष्ण के सारे सेवा को ये करती है, सेवा को, इसलिए कहते हैं दासायतम सख्यायतम में नमस्त नमस्त दुतम दासायतम में रसस्त रसस्त सख्यम, मतलब कहते हमें राधा रानी की सखी पद नहीं चाहिए, हमें राधा रानी की दासी पद दासी बन करके हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रंथ में वो दिव्य ग्रंथ है, इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, बहुत ग्रंथ लिखे इनकी, इसलिए एक ग्रंथ विशेष करके इनका एक मन शिक्षा, क्या ग्रंथ है मन शिक्षा है, ये मन शिक्षा ग्रंथ में ये मन को कैसे शिक्षा दे रहे, क्योंकि जैसे हमारी 11 इंद्रियां हैं, कहते 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया, लेकिन इसका राजा कौन, इसका मन, अगर मन तुम्हारी सही नहीं हुआ ना सब गड़बड़ी है, जैसे मन ने बताया चलो गुरु जी आए हैं चलो सबरे सबरे कथा सुन कर, तो क्या हुआ घर छोड़कर यहाँ पर आए कथा सुने, अगर मन बोलता अरे ठंडा का समय रह जाए भी कितना आनंद आ रहा है, हाँ सवेरे सवेरे उठो नहाओ ठंडा में नहा करके जाओ, अरे घर में बढ़िया रह जाए उड़ करके सो रहे हैं, कौन जाता है, फिर अब लोग क्या आते हो यहाँ आते ही नहीं, लेकिन मन ने मन बोले नहीं चलो चलो कथा सुनने के लिए, फिर तो अब लोग, इसलिए मन को सही करनी चाहिए, मन अगर सही है तो बस सब सही है, इसलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा इसलिए इसका नाम रखा मन शिक्षा नाम रखा, देखो मन शिक्षा का एक श्लोक सुन लो, कहते उसमें पहला श्लोक है बोले गुरो गोष्ठ गोष्ठाल सु सुजने भूषण गने स्वमंत्रे श्री नाम ने ब्रज दुव द्वंद्व सरणि, उसमें कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कहते सदा दम्भम हित्वा, हर समय सारे दम्भ को छोड़ करके क्या करो, इसलिए ये मन को कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे मन तुम्हारे पांव पड़ता हूँ तुम्हारे चरण में पड़ता हूँ तो मेरी बात सुन ले, हैं क्योंकि ये मन दुष्ट है ना, अब देखना मन तो गंदे चीज में स्वाभाविक रूप से जाता है, लेकिन जब भजन की बात बोलो ना वो हजार बहाना बनाता है, अरे ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ये भजन में ये मन सहज में लगना नहीं चाहता है, गंदी चीज में अपनी आप ये मन लग जाती है, इसलिए ये मन को चरण में पड़ करके प्रार्थना करो, मन है बोले मन तुम्हारी पाम पड़ता हूँ मन, बोले क्या है, बोले गुरु पहले गुरु जी के चरण में प्रेम रखो, गुरु मतलब एक शिक्षा गुरु एक दीक्षा गुरु है,
इसलिए शिक्षा गुरु मतलब जिससे हमें भगवान की भक्ति की शिक्षा मिलते हैं, दीक्षा गुरु मतलब जिससे हमने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, और एक चैतो गुरु है जो हृदय में बैठे हुए है, हमारे हृदय में बैठ करके हमें जो दिशा निर्देश करता है, जो कौन है तब भगवान स्वयं चैतो गुरु रूप में कहते हैं। हम सबको चरण में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बगैर भगवान की भक्ति हमें नहीं मिल सकती। गुरु गोष्ठे, गोष्ठे मतलब वृंदावन धाम, प्रभु का धाम में भी प्रीति हमें रखनी चाहिए, वृंदावन धाम भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रभु ने लीला की है ना, वहाँ जाने पर अपने आप हृदय में लीला उद्दीपक होता है। यहाँ पर कृष्ण गैया चराए, रास रचाई, यहाँ पर ठाकुर जी बंसी बजाया करते थे, यहीं पर कृष्ण गोचारण करते थे, इसलिए भगवान के धाम में जाने पर अपने आप हृदय में भावना भर आती है। इसलिए भगवत धाम का प्रति भी हमें निष्ठा होनी चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु मतलब वृंदावन में जो भगवान की भक्त है, ललिता विशाखा, हम रोज भजन गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाबल। ये भजन को रोज गानी चाहिए, इसमें सारे भगवान भक्तों का और भगवान का धाम का सारे स्मरण है। एक भजन गा लिया ना, पूरा भगवान भक्त वृंदावन धाम स्मरण हो जाता है। तुलसी परिक्रमा करते समय ये भजन को गा गा करके तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए वृंदावन धाम में हो और गोष्ठ गोष्ठालय से जो रहते हैं वृंदावन धाम में, सारे भक्तों का प्रति हमारी प्रीति रहनी चाहिए। गोष्ठ सुजने, सुजने मतलब होता है जो भगवान की दूसरे दूसरे, जैसे हमारी संप्रदाय में भी संत है, कहते जो दूसरे दूसरे संप्रदाय में जो संत है सबका आदर देनी चाहिए, जो चार वैष्णव संप्रदाय होनी चाहिए। ऐसे नहीं अघोरी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे भजन भजन से कोई मतलब नहीं है, त्रिशूल पकड़ करके एकदम रक्त कपड़े जैसे पहन करके घूमते रहते हैं, ये इनकी इनकी बेकार लोग है, ये भजन भजन से इनका कोई भी मतलब इनकी है ही नहीं कोई है। इसलिए वैष्णवों को आदर करनी चाहिए। चार वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक, इनका जो तिलक है ना, भगवान जैसे राम का तिलक देखो, जैसे उनके भक्त लोग ऐसे तिलक लगाते हैं, नारायण का जैसे तिलक उनका भक्त भी ऐसे तिलक लगाते हैं, जैसे हम लोग गौड़ियों के संप्रदाय, एक निम्बार का संप्रदाय है, कहते जो संप्रदाय का जो वैष्णव संत है उनको आदर करनी चाहिए। जैसे तैसे संतों का आदर करने के लिए मना किया है, हैं कुछ ऐसा अघोर जैसे होते हैं घूमते रहते हैं जैसे भजन भजन से कोई मतलब नहीं, भक्ति भक्ति से उन्हें कोई मतलब नहीं, केवल चोला पहन लिए ऊपर से, केवल चोला को उन्होंने केवल ऊपर से भीख मांगने के लिए भिक्षा के लिए कुछ मिल जाए चोला पहने, लेकिन भक्ति से इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए सब वैष्णवों को सम्मान करनी चाहिए। इसलिए भूसुरगणे, भूसुर मतलब ब्राह्मण, बोले ब्राह्मणों को भी इज्जत करनी चाहिए। बोले कौन सा ब्राह्मण, बोले सब ब्राह्मण नहीं, जिसका चन्नी हुए नहीं, तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं है, जो वर्ण आश्रम को पालन करने वाले, जो अपना वर्ण आश्रम को, जो धर्म को पालन करते, जो सचमुच से ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म को जो जाजन करते, ऐसे नहीं नाम मात्र ब्राह्मण, कोई तिलक कंठी माला गायत्री फायत्री से कोई मतलब नहीं, ऐसे ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण धर्म को जाजन करते, ऐसे ब्राह्मण शराब घात पी रहे, बीड़ी फूंक रहे हैं, मांस भी खाते हैं, इसलिए ऐसे ब्राह्मण को नहीं, जो ब्राह्मण सचमुच से ब्राह्मण धर्म को जो जाजन करते हैं। इसलिए सुजने भूसर बोले स्वमंत्र, स्वमंत्र मतलब होता है गुरु जी ने हमें जो मंत्र प्रदान किया है, जैसे गोपाल मंत्र है, जैसे काम गायत्री, जो दीक्षा मंत्र लिए उसको ठीक से जपा करो, ऐसे नहीं जब इच्छा कर दिया और दूसरे दिन किया है। नहीं, मंत्र जब जप नहीं करते ना, मंत्र शक्ति धीरे 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 घटते आने लग जाती है मंत्र शक्ति, इसलिए जो मंत्र लिया उसको रोज नियम से त्रिसंध्या सवेरे दोपहर शाम को करनी चाहिए। दोपहर में कार्य में बिजी हो गए तो सवेरे दो बार कर लो और शाम को एक बार कर लो, हैं, लेकिन करनी चाहिए, अपना समय को देकर करनी चाहिए। और ये मंत्र जो है ना वो साधारण नहीं, इसलिए सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत रचना किए, जो गोप कुमार था वो मंत्र जप करता था, ये मंत्र जप करते ही वो जो मांगता था वही हो जाता था, जो मांगता था जो इच्छा करता था हैं, पृथ्वी का राजा बन गया, पूरा देश का राजा बन गया, पूरा
उसके बाद स्वर्गलोक में चले गए, मोहलोक में, जनलोक में, तपोलोक में, सत्यलोक में, और मंत्र लेकर सीता उनको वैकुंठ ले गया, द्वारका, अयोध्या, लास्ट में उसको वृंदावन लेकर पहुंचा दिया। अगर ये मंत्र नहीं छोड़ेंगे ना, ये मंत्र एक दिन तुम्हें ठाकुर को चरण में लेकर पहुंचा देगा। इसलिए मंत्र को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। स्व मंत्र बोले श्री नाम ने हम जो गुरु जी से जो हरिनाम मिला है, ये हरिनाम को भी नियम से करो। गुरुदेव कहते थे माला को भूखा नहीं मत रखा करो, है मतलब माला आया तो मतलब ठाकुर जी हमारे पास साक्षात ठाकुर जी आए हैं, इसलिए रोज कुछ ना कुछ माला करनी चाहिए। महाप्रभु तो कहते निर्बंध करके करो, नियम करके इतने माला हमें करना है, हैं इतने। महाप्रभु बोले ना जो लखपति नहीं बनेगा उसका हाथ का भोजन नहीं करता हूँ, है लखपति मतलब 100,000 हरिनाम करने के लिए बताए। कौन माता जी? बहुत अच्छी बात, ताली बजा, बहुत अच्छी बात। इसलिए कहते ये कहते अगर अगर 64 माला करे बहुत अच्छी, इससे लेकिन कम से कम 16 माला से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, इसको नीचे नहीं उतर। इसलिए संत लोग कहते हैं अगर अगर एक दिन में जो 100,000 हरिनाम करता है लखपति है, अगर एक दिन में लखपति नहीं बन सकता 4 दिन में तो लखपति बन जाओ। अरे 16 माला करो 4 दिन में हो गया, इससे नीचे नहीं करनी चाहिए। कोई बोलेगा समय नहीं, कोई क्या बोलेगा समय। तब हमारे स्वामी महाराज कहते थे भगवान दिन रात मिलकर 24 घंटा दिया, 8 घंटा काम करो, कितना 8 घंटा बहुत है, 8 घंटा सो बहुत है, 8 घंटा भजन करो, फिर 8 घंटा भजन करो, सो बहुत है, 8 घंटा काम करो, इससे तो ज़्यादा नहीं करते हो, और 8 घंटा क्या अगर भजन करो 8 घंटा, अगर इतना नहीं कर पाते हो लेकिन कम से 16 माला तो करो, उसके लिए 1.5 घंटा 2 घंटा अंदर में हो जाती है, पूरा 24 घंटा को मिला करके हाँ इतना तो कर सकते हैं। लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, कल सुन रहे थे ना हरिदास ठाकुर बोले शरीर मेरा ठीक ठाक है लेकिन ये मन बड़ा दुष्ट है, हर काम के लिए तैयारी रहता है, घूमने के लिए, देखने के लिए, इधर उधर स्मार्टफोन के लिए, लेकिन भजन का जो बात बोले ना वो बहाना बनाना सही कर, हाँ बहाना बनाना नहीं, बहाना से कोई काम नहीं भैया। जीवन में शांति मिलेगा तभी पृथ्वी का सारे संपत्ति को एकत्रित कर लो, ये शांति देने वाले नहीं। शांति अगर देगा तो प्रभु का नाम ही देगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत है। जब तक प्रभु की भजन नहीं करोगे पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं तुम्हें जो सुख शांति दे सकता है। उसी व्यक्ति को सुख शांति मिला, हनुमान जी क्या करते हैं दिन भर प्रभु का नाम ही जप करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं कहते महामंत्र जय जपत महिषा, दिन रात हरि नाम करते हैं। माता देवी क्या करती हैं, वैष्णवी है, उनकी गला में तुलसी कंठी है, देवी की गला में तुलसी कंठी है पहनी है, इसलिए उनका नाम वैष्णवी है। इसलिए 8 हाथ में भी माला है, गणेश ब्रह्मा भी देखो 4 हाथ में माला, सरस्वती को देखो 4 हाथ में माला, सब राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाले। इसलिए हरि नाम के बगैर जीव का कोई गति नहीं। इसलिए अंतिम समय क्या कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबकी बात झूठा है। और जब दुनिया झूठा ही है तो झूठे के पीछे क्यों लगे हो, सच को पीछे लगो ना। जो मर गया सुना कर क्या लाभ, जिंदा रहते होते करो, मरे के बाद सुनाने से क्या होता है, जिंदा रहते तो हरि नाम करो ठीक है। ऐसे कहते सो नाम ने कहते ब्रज दुपद शरण कहते राधा कृष्ण के चरण में प्रेम हो, हाँ सारे अहंकार अभिमान को छोड़ करके क्या करो, मन को कह रहे हे मन साधु दम्भम जित्वा कुरु अपूर्व अत्मतितराम, हैं इसलिए तुम्हारी चरण पकड़ता हूँ, राधा कृष्ण की भजन करो, हरि नाम करो, गुरु मंत्र करो, भगवान की भक्ति करो और जीवन में सुखी में रहो और आनंद में रहो ठीक है। वृंदिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंचागल तरुभ्यः कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। का कीर्तन कर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
गौर हरि जय गौर हरि हरि।